मैं हूं नवीन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी गाड़ी पे टार के निशान पड़ जाते हैं तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस पे कंपाउंडिंग करा लीजिए या टार रिमूवर आप इस पे यूज़ करिए, तो वो एक थोड़ा महंगा खर्चा है, इसलिए आपको मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर इस तरह के छोटे स्पॉट्स आपकी गाड़ी पर पड़े हुए हैं तो उसके लिए आप वेवेक्स का ये वाला क्ले क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप ऑनलाइन इसको मंगवा सकते हैं। और इसको यूज़ करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि इसको यूज़ करने के लिए आपको ये क्लॉथ लेना है, और इस पर लुब्रिकेशन के लिए आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं आप इस पर लुब्रिकेशन यूज़ करने के लिए, उसको आप किसी बॉटल पर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको वो स्प्रे करना है, स्प्रे करने के बाद कुछ इस तरीके से ये स्प्रे हो जाएगा, और ऐसे ही थोड़ा लुब्रिकेशन के लिए आपको कपड़ा गीला करना है और हल्का हल्का रिमूव इस पर इस तरीके से रब करना है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये बहुत हल्के निशान हैं इसलिए बड़े प्यार से चले जाएंगे। बस ये है कि ये रिपीट प्रोसेस है, बार बार आपको रगड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, और उसके बाद ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। और इस कपड़े की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इसे सालों साल यूज़ कर सकते हैं, ये सालों साल कहीं नहीं जाएगा। कंपाउंड क्या है कि आपने एक बार कंपाउंड लिया और कंपाउंड आपका ख़त्म हो गया, उसके बाद वो सूख जाएगा अगर आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। ये देखिए, देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये क्लीन हो चुका है, यहाँ पे कोई भी टार के निशान नहीं है, ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे थे, ये इस तरह के निशान यहाँ पे पूरी गाड़ी पे थे, और ये बिल्कुल हमने जब क्ले क्लॉथ यूज़ किया है तो ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, ऐसी वीडियो मैं पूरी गाड़ी पर बनाऊँगा किसी दिन जब पूरी गाड़ी मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए मेरी वीडियो पे।